हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोग के लिए बहुत ही खूबसूरत ये थाल कवर, डोरमेट, टेबल कवर की डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये देखिए बहुत ही प्यारी है। इसको मैंने डार्क पिंक कलर और ब्लैक कलर में बनाया हुआ है। यहाँ पे मैंने 20 फंदों से बनाया हुआ है। आप इसको 40-30 फंदे का भी बना सकते हैं। इसको आप साड़ी दुपट्टे दोनों चीज़ से भी बना सकते हैं। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। बहुत ही इजी है ये बनाने में, देखने में जितनी खूबसूरत लग रही है। इसको आप मल्टी कलर में बना सकते हैं। तो चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपने फंदे ले के फिर यहाँ पर एक सिलाई की नीटिंग करनी है। तो देखिए यहाँ पर हमने ब्लैक कलर से बुन लिया है। अब हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले हमने ये पिंक कलर से शुरू होगी हमारी ये डिज़ाइन। तो आप जिस कलर से भी फंदे को डालना चाहते हैं उस कलर से फंदे को डालने के बाद एक सिलाई बना लें। दोनों साइड से ये हमारी डिज़ाइन सीधे सीधे बनेगी। तो देखिए हम आगे की साइड से भी सीधा सीधा बना रहे हैं पिंक कलर से। आप इसे मल्टी कलर में भी, जितने भी कलर आपके पास हो आप लगा सकते हैं। से उनके छोटे छोटे टुकड़े हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो बच जाता है। यहाँ पे हम दो फंदे छोड़ देंगे। दो फंदे छोड़ने के बाद सिलाई को हम अपनी साइड मोड़ लेंगे और ऊन को पीछे की साइड करके सारे फंदे को हम इस साइड का, देखिए हमने यहाँ पे दो फंदे छोड़ दिया, फिर उधर के साइड का पिंक कलर का सारे फंदे को हम सीधा सीधा बनाएंगे। पीछे की साइड से भी सीधा सीधा बनाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हम आगे की साइड से ब्लैक कलर से भी एक सिलाई बुन लिए हैं। अब यहाँ पर पिंक कलर का हम दो फंदे छोड़ देंगे। ऐसे ही हमने दो दो फंदे छोड़ते हुए आना है और कलर चेंज करते हुए दो दो सिलाई की हमारी ये एक एक लाइन बन रही है। एक सिलाई आगे से, एक सिलाई पीछे की। तो ये हम ब्लैक कलर से भी आगे से बना के कंप्लीट किए हैं और दो फंदे हमने पिंक कलर का छोड़ दिया है। दो दो फंदे तो हमने छोड़ना ही है, ये आपको पता है, तभी हमारा ये सर्कल बन के जाएगा। अब देखिए हमने ये आगे की साइड आ गए। ये देखिए आगे की साइड आने के बाद फिर हम यहाँ पे पिंक कलर से बनाएंगे। इसको आप दो रंगों की साड़ी से बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा डोरमेट। अब देखिए हम यहाँ पे दो फंदे ब्लैक का भी छोड़ेंगे, फिर सिलाई को मोड़ लिए। दो दो फंदे देखिए हमने तीन लाइन में छोड़ दिया है तीन बार। अब देखिए हम इधर की साइड आ गए, फिर हम यहाँ पे कलर चेंज करेंगे। अब हम ब्लैक कलर से बनाएंगे। फिर इसको मोड़ लेंगे। देखिए हम यहाँ पे फिर दो सिलाई छोड़ दिए हैं, सॉरी फ्रेंड, दो सिलाई नहीं, दो फंदे हमने फिर यहाँ पे छोड़ दिया है। अब ये बाकी के फंदे हम पीछे की साइड से भी बना लेंगे सीधा सीधा। फिर हम यहाँ पे कलर चेंज करेंगे। ये देखिए ऐसे ही हमारा ये पूरा गोला बनता हुआ जाएगा। अब हम पिंक कलर से बनाएंगे। तो चलिए हम ऐसे ही ये बना लेते हैं पूरा डिज़ाइन। एक बार और आप लोग देख लीजिए, अच्छे से आप लोग को समझ में आ जाए। देखिए फिर हम यहाँ पे दो फंदे छोड़ देंगे ब्लैक वाला, फिर सिलाई को अपनी साइड देखिए पलट लेंगे, ऊन को पीछे की साइड, फिर हम सीधा सीधा दोनों साइड से हम सीधा सीधा इसको बनाएंगे। अब हम फिर कलर चेंज करेंगे, यहाँ पे ब्लैक कलर लगाएंगे और 10 नंबर के हम यहाँ पे नीडल यूज किए हैं। सिलाई को हमने 10 नंबर का सिलाई लिए क्योंकि नॉर्मल ऊल है हमारा। देखिए फिर हम सिलाई को पलटेंगे और फिर ये हम ब्लैक कलर, चार फंदे हैं। अब देखिए इसको हम दो फंदे बुन लेंगे। अब यहाँ पे दो फंदे छोड़ देंगे, फिर इसको हम पलट के अपनी साइड, ये देखिए दोनों फंदे बना लिए। अब हमने क्या करना है, सारे फंदे को हमने ये ब्लैक कलर से बुनना है। देखिए फ्रेंड्स, हमने सारे फंदे को ब्लैक कलर से बुन लिया, एक भी फंदे हमने छोड़े नहीं है। ये देखिए हम
दो सलाई बना के ब्लैक कलर से आगे की साइड आ गए। अब फिर यही डिजाइन हमारा रिपीटेशन यही होगा बार बार। फिर हम पिंक कलर से बनाएंगे पहले डिजाइन, दो फंदे यहाँ पे छोड़ेंगे, फिर पीछे की साइड से सारे फंदे को हम सीधा सीधा बनाएंगे, फिर ब्लैक कलर से बुनेंगे। देखिए फ्रेंड्स, तो ये हमारा टोटल ऐसे ही बनेगा। तो आपने इसको जब तक बनाना है तब तक हमारा ये पूरा सर्कल कंप्लीट ना हो जाए। ये देखिए, फिर उसके बाद हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए कितनी खूबसूरत है, आप इसे बचे हुए ऊन से भी बना सकते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।